तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको किसी फील्ड में एक्सप्लोर करना है तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स में भी जाने का मौका मिलता है अगर आप फाइनल uh, स्टेज तक पहुँचते हो तो।, तो मैंने इस वीडियो को फाइव टू सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहले ओलंपियाड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सेकेंड कितने टाइप्स के ओलंपियाड है तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फोर्थ वन इज़ दी एनरोलमेंट मतलब एडमिशन कैसे ले सकते हैं और फिफ्थ वन है कि इसके स्टेजेस कितने कितने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिक अबाउट ओलम्पियाड ये ओलम्पियाड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन है जिसे होमी बाबा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव बेस यानी एम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया तो आपको एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसी के साथ इसमें फ़िज़िक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया बायोलॉजी और जूनियर साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स के ओलम्पियाड होते हैं तो ये हो गया ओलम्पियाड की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अगर आपको एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब्जेक्ट्स में अगर एडमिशन लेना है या फिर इस सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी डेट ऑफ आप बर्थ जो है वन जुलाई 2003 से लेके 30 जून 2008 के बीच में होनी चाहिए

आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए इंडियन स्कूल सिस्टम में आपने एजुकेशन ले रहे हो इसका प्रूफ चाहिए और उसी के साथ यू मस्ट नॉट हैव कम्पलीटेड द टेंथ एग्जामिनेशन अर्लियर देन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं एनरोलमेंट या फिर इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इसकी पार्टिसिपेशन फी है टू हंड्रेड रुपीज़ पर सब्जेक्ट और पर ओलंपियाड कितने भी ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनमें करना है तो आप चारों सब्जेक्ट में कर सकते हैं बट यू हैव टू पे टू हंड्रेड रुपीज़ पर सब्जेक्ट एज अ पार्टिसिपेशन फी अभी फर्स्ट मेथड ऑफ पार्टिसिपेशन है कि आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप अपने टीचर या फिर प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं और इस ओलम्पियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट है यू कैन पार्टिसिपेट इंडिविजुअली इनकी वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और इंडिव्यजुअली इस ओलम्पियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट ऑफ़ पार्टिसिपेशन है फोर्टीन सेप्टेबर ट्वेंटी तो जितना जल्दी हो सके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए तो सबसे पहली स्टेज है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो होमी बाबा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए इसमें आपको थियोरटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ये एग्जामिनेशन नवंबर 2022 में ऑर्गेनाइज होगी स्टेज वन के जो टॉप स्कोरर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है स्टेज टू में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से 300 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है स्टेज टू के लिए और एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट्स के लिए 500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जिसमें से ग्रुप ए में आते हैं ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स और ग्रुप बी में आते हैं टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स तो सेकेंड स्टेज है इंडियन नेशनल ओलंपिया जिसमें आपको एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपने पार्टिसिपेट किए हैं और यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा थर्ड स्टेज के लिए जिसका नाम है ओरिएंटेड कम सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेज टू में से 35 फाइव स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है स्टेज थ्री में जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूनियर साइंस ले है और एस्ट्रोनॉमी से होता है फिफ्टी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन स्टेज थ्री के लिए जिसमें से ग्रुप ए के स्टूडेंट्स होते हैं फिफ्टीन और ग्रुप बी के स्टूडेंट्स होते हैं थर्टी फाइव थर्ड स्टेज का नाम है ओरिएंटेड कम सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने एस्ट्रोनॉमी या सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है आपको स्टार गेजिंग टेलीस्कोप से प्लानट ऑब्जर्वेशन ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती है अभी स्टेज थ्री में बहुत सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है वहाँ से आपका सिलेक्शन होता है स्टेज फोर के लिए और ये थोड़ा टफ सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी से पाँच स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है बायोलॉजी से फोर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से फोर जूनियर साइंस से सिक्स स्टूडेंट्स और फिजिक्स से पाँच स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है स्टेज फोर के लिए तो जितने भी स्टूडेंट्स का स्टेज फोर में सिलेक्शन होता है उन्हें एज ए इंडियन टीम सिलेक्ट किया जाता है जो इंटरनेशनल ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं तो स्टेज फोर में आपको प्रैक्टिकल और थेरोटिकल नॉलेज की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में अच्छा प्रेजेंट कर सके अभी लास्ट स्टेज यानी स्टेज फाइव जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपियाड इसके पहले के जितने भी स्टेजेस थी वो सिलेक्शन क्राइटेरिया था ताकि टॉप स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए सिलेक्ट किया जाए अभी इंटरनेशनल ओलंपियाड में भी सेम एग्जामिनेशन ही होती है और आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो इसका जो शेड्यूल है मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ फिजिक्स ओलंपियाड होता है जापान में जुलाई 2023 में जहाँ पे फाइव स्टूडेंट्स और टू टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है स्विट्जरलैंड में 2023 में जहाँ पे फोर स्टूडेंट्स और टू टीचर का सिलेक्शन होता है बायोलॉजी ओलंपियाड होती है यू में जहाँ पे फोर स्टूडेंट्स और टू टीचर्स का सिलेक्शन होता है एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में फाइव स्टूडेंट्स और टू टीचर का सिलेक्शन होता है और ये ओलंपियाड ऑर्गेनाइज़ होती है पोलैंड में जो होती है ऑगस्ट ट्वेंटी में जूनियर साइंस ओलंपियाड जो है सिक्स स्टूडेंट्स और थ्री टीचर्स का सिलेक्शन होता है और ये ऑर्गेनाइज होती है थाईलैंड में और इसकी डेट है दिसंबर 2023 अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार्टिसिपेशन प्रोसेस इसकी फाइव स्टेज जो लेवल्स है एग्जामिनेशन की इसके बारे में जान लिया ओलंपियाड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता कर ली अभी लास्ट में बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस ओलंपियाड एग्जामिनेशन तो सबसे पहले होमी बाबा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन ने बुक्स पब्लिश किए ओलंपियाड के लिए तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स जूनियर साइंस एस्ट्रोनॉमी इन सब की बुक्स जो है अवेलेबल है इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं बाकी इनकी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है सैम्पल पेपर अवेलेबल है जो आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सभी की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बाकी ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है या फिर जिन्हें ओलंपियाड के बारे में पता ही नहीं है उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले और वो भी पार्टिसिपेट कर सके तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद